चलो यहाँ पर अब जीनोमिक्स के बारे में तो बताओ, सब लोग साथ में बताना है ना। जीनोमिक्स शब्द किसने दिया था? थॉमस रोडरिक ने। किसने? थॉमस रोडरिक ने। कब? 1986 1986 में। क्लियर है? तो ये और जीनोम शब्द किसने दिया था? 1920 में बिंकलर ने। किसने दिया था 1920 में? बिंकलर। अच्छा ये बताओ, जीनोमिक्स शब्द ठीक है, जीनोमिक्स शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? जीनोम से लिया गया है। क्यों लिया गया था? जीव के आनुवंशिक तत्व को दर्शाने के लिए। तो अगर हम पूछें जीनोमिक्स किस बात को दर्शाता है, तो किसी जीव के आनुवंशिक तत्व को दर्शाता है। क्लियर है? अच्छा ये रोडरिक साहब, थॉमस रोडरिक मतलब, इन्होंने 1986 में जीनोमिक्स शब्द का प्रयोग किया। सही है, क्यों प्रयोग किया था या किसके लिए? हाँ, जब ये जीनोम के मानव चित्रण के लिए, जीनोम के मानचित्रण के लिए, मैपिंग के लिए, उनके श्रृंखला निर्धारण के लिए और उनके विश्लेषण के लिए। क्लियर है इतना? क्यों किया था? जीनोम के मानचित्रण के लिए, जीनोम के विश्लेषण के लिए और श्रृंखला निर्धारण के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। क्लियर है? आंच लगाया। चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ, जीनोम शब्द जो, अच्छा मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर 86 देखो 46 होते हैं, और अगर ऐसे पूछ लें पैर में कितने होते हैं? 23 पैर होते हैं। गुणसूत्र को कितने भाग में बांटा गया? दो, ऑटोसोम और क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम और हेट्रोसोम, ऑटोसोम 22 जोड़ा और हेट्रोसोम 23वां नंबर ऑटोसोम होता है। क्लियर है? अच्छा ये बता दो, मानव में जो मानव जीनोम होता है वो किसके रूप में होता है? डीएनए के रूप में होता है। अच्छा डीएनए के रूप में होता है, तो ये बताओ गुणसूत्र के एक समूह पर होता है या द्विगुणित समूह पर होता है? एक समूह पर होता है भाई, स्वाभाविक है एक ही समूह पर होता है। तो गुणसूत्र के एक समूह पर डीएनए के रूप में मानव जीनोम रहता है। मानव जीनोम कहाँ रहता है? गुणसूत्र के ऊपर एक समूह के रूप में, डीएनए के रूप में। अच्छा ये डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है ना। अच्छा अगला बता दो, एक लास्ट क्वेश्चन बताओगे ना, जीनोम किसे कहते हैं? हाँ जीनोम किसे कहते हैं? किसी जीव के गुणसूत्र के एक समूह पर कुल डीएनए को, हाँ किसी जीव के गुणसूत्र के आगुणित समूह पर, ध्यान देना, किसी जीव के गुणसूत्र के आगुणित समूह पर कुल डीएनए को, उपस्थित कुल डीएनए को ही जीनोम कहते हैं। अच्छा जीनोम, इसका मतलब जीनोम डीएनए में होता है, किस रूप में होता है? न्यूक्लियोटाइड क्रम में होता है। करता क्या है? जैविक सूचनाओं को संग्रहित किए रहता है। अच्छा एक किसी जीव की, जैसे हम कहते हैं किसी जात की, एक समष्टि की मतलब किसी जात की जनसंख्या की, सभी जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं या जीनोमिक्स कहते हैं। तो बताओ जीनोम और जीनोमिक्स से क्लियर है क्वेश्चन? ओके थैंक यू।